देखिए डेफिनेटली अगर आप देखें तो ये जो रमज़ान कप और इस तरह के रमज़ान की जो क्रिकेट है ये कराची में बहुत ज़्यादा होती है और यहाँ सारे पंजाब से जो लोग हैं बच्चे हैं वो उधर जाते हैं। सो आई थिंक गिग वालों ने और व्हाट्सएप ने बड़ा अच्छा इनिशिएटिव लिया है और एक तो ये है कि बहुत कम ऐसी ग्राउंडें हैं लाहौर में या पूरे पाकिस्तान में जहाँ पे स्पाइक्स पहन के आप मैच ही खेल सकते हैं। हालत हमारी ये है और दूसरी तरफ कहते हो अफगानिस्तान से हार गए तो इस हालात आपके काफी खराब है तो इसलिए बड़ी खुशी की बात है हमारे को सर जी आप थैंक यू सर वेल डन। नहीं ये पता नहीं क्या तजर्बा था क्योंकि बहुत सारी चीजें वैसे क्लियर भी हो गई हैं कि कुछ तो स्टैंडर्ड हो कुछ तो पैरामीटर्स हो कुछ तो फिटनेस का लेवल हो कुछ तो स्किल का लेवल हो तो आप पाकिस्तान को रिप्रेजेंट करें। मेरे जैसा आप तो शरीफ से प्लेयर आ गए मेरे जैसे प्लेयर होते तो खेलने से इनकार कर देता तो पहले कोई फिटनेस अपना कोई बैरियर कोई प्रोटोकॉल तो ये हो सकता सीख ही जाए। आकिब कैसे देखते हैं कि एहसानुल्लाह आपकी तरफ से भी पहले ज़हरा टाइम में अपने लोगों ने सेलेक्ट किया था उसको इमर्जिंग क्रिकेटर्स के तौर पर कैसे देखते हैं? ज़बरदस्त उसने इम्प्रूवमेंट की है ये हमारे पुराना खेला हुआ है पीडीपी भी ना तो पिछले साल भी जब ये ट्रायल्स में भी आया था तो ये इसकी पेस अच्छी थी बट इसको यही कहा था कि तुम्हारी जो टांगे हैं ये तगड़ी करोगे थोड़ा रनअप का मोमेंटम बनाओगे तो मजीद पेस बढ़ेगी तो खुशी हुई इस दफा देख के बिल्कुल अच्छा उसने काम किया अपने मेहनत की सो आई थिंक ही इज़ गुड प्रॉस्पेक्ट और थोड़ी सी और स्किल सीखनी पड़ेगी। टाइम्स बड़ी टीमें जब आती हैं तो जैसे हारिस ने शुरू में सिर्फ यॉर्क करीब आते थे या बाउंसर तो अब जो उसने स्लो रन सीखा तो इस तरह से आपकी अपनी साथ साथ अपनी पेस के थोड़ी सी स्किल लेके आएगा तो इज अ वेरी गुड बॉल। न्यूजीलैंड के खिलाफ होम सीरीज होने जा रही है क्या सीनियर्स को सबको खिलाना चाहिए यंगस्टर को? पूरी अपनी टीम खिलाए यंगस्टर को चांस दे के मतलब करना क्या है वो ये टीम बना के कहीं और भेज दें। आकिब भाई पाकिस्तान टीम के हेड कोच का इस वक्त मसला है आरजी तौर पर तो अब्दुल रहमान को बनाया गया है लाहौर कलंदर को दो मरतबा आपने चैंपियन बनाया बतौर हेड कोच काफी दो चार साल पहले इंसान हो चाहे क्रिकेटर हो वक्त के साथ साथ अपने आप को आप इम्प्रूव करो आगे की तरफ बढ़ो। अब वो मैं यहाँ इसलिए मैं टाइम्स मैं तनकीद करता हूँ कि आगे की तरफ जाना है फिर बॉलिंग कोच नहीं बन जाना फिर फील्डिंग कोच असिस्टेंट कोच नहीं बन जाना। वो एक मेरा मोमेंटम था जब मैं छोड़ के गया था यूएई तब मैंने उनको कहा था बनाना है कि नहीं बनाना नहीं ओके थैंक यू। उन्होंने मेरा इंटरेस्ट ही नहीं है ना इनकार क्या करना मैंने पाकिस्तान के मैच भी बाहर होंगे इंडिया की कितना इससे बड़ा नुकसान नहीं होगा पाकिस्तान को? कोई भी नुकसान नहीं होगा फायदा ही होगा अगर इंडिया का कहेगा जी आप हम आ ही नहीं रहे और तुम्हें वो बुलाएं ना तो नुकसान तो पाकिस्तान का ही है पैसा तो आपको पता ही है सारा कहाँ से आता है। नहीं मैंने उसका इंटरव्यू सुना था उसने कहा था कि ये ना मेरा काम है ना मेरी स्टेटमेंट बनती है ना क्रिकेट बोर्ड इसमें कुछ कर सकता है ना आईसीसी कुछ कर सकती है इट्स गवर्नमेंट टू गवर्नमेंट।